हमारे YouTube चैनल स्टार एटीट्यूड UPSC एस्पिरेंट में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे SSC MTS के GS के मॉडल पेपर के बारे में, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ईमेल, SMS, फेसबुक और ऑरकुट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिलाई की मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड पी साउथविक, आइजेक सिंगर, मुरासाकी सिकिबू एंड हनाओका सिसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजेक सिंगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, बड़ी आंत, छाती और अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर की एनोना स्क्वामोशा डैश का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है सीताफल, पपीता, बबूल और सहजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताफल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट न्यूक्लियस, कार्ल लिनियस और लैमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद और त्रिगुणा सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलिंगपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ऑप्शन है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कर जो पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता कहलाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीधा कर और अग्रिम कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? ऑप्शन है हिम तेंदुआ, एक सिंह का गेंदा और एशियाई सिंह और दलदली हिरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सिंह वाला गेंदा, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है? ऑप्शन है बेरिलियम, क्रोमियम, आयरन और लेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है राजकोषीय कर्षण, मितव्ययता उपाय और रेपो रेट और राजकोषीय बढ़ावा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो रेट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र और पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी को डैश नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह और पीला ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय क्षेत्र में होने वाली चुनाव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उपचुनाव, परिषद चुनाव, सूक्ष्म चुनाव और त्रिचुनाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचुनाव, ऑप्शन नंबर ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। ऑप्शन है 1844 और 1864, 1884 और 1904। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय का नाम क्या। ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस और केडी यादव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केडी यादव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, वायु, इस्पात और निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवेग किसके समतुल्य होता है। ऑप्शन है संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और त्वरण में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है महंगाई घटेगी, महंगाई बढ़ेगी, प्रतिवर्ती रेपो दर घटेगी, कर्ज सस्ता हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महंगाई घटेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है घुड़दौड़, फुटबॉल, साइकिलिंग और गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रखा गया था। ऑप्शन है आंग सान सू की, हो ची मिन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।